बिल्कुल इलेक्शन जरूर लड़ांगे, इलेक्शन का पक्का इलेक्शन जरूर लड़ांगे, हर कीमत पर इलेक्शन लड़ांगे। बुनियान खाप का चबूतरा पर दादा राम सर तीर्थ, जिसको सभी हमारे बावन गांव मानते हैं, और यहाँ शिव जी महाराज का मंदिर है, सब ने हाथ उठाकर पूरा डट कर समर्थन दिया है। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दड़ौदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ भाई दड़ौदा गांव में, जो बावन गांव का ऐतिहासिक सरोवर जाती है चबूतरा, उसके ऊपर खड़े हाँ। और भाई आज यहां पर एक महापंचायत है, क्योंकि भाई देवराज कन्नड़ी जो एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहा है उसको लेकर भाई उसकी पूरी खाप को इकट्ठा किया है, जो देवराज कन्नड़ी है। लेकिन सारे खाप और भी खापा तो भाई यहाँ पर जो मैन मैन से देश पधारे हैं, तो के कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज यहाँ से भाई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और के निर्णय भाई आपने दिखावांगे भीतर चल के, क्योंकि भाई फिलहाल इस टाइम भी अंदर एक महापंचायत चल रही है, उसके अंदर अपना लेके चलेंगे भाई। और जो बड़ा फैसला आज यहाँ पर लिया जाएगा, देवराज कन्नड़ी जो एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहे सरसत है उसकी लेकर देख लो फिलहाल भाई यहाँ पर पूरा पूरा भाई जो चबूतरा है सदस्य तो जमा खचाखच भरिया हुआ है पूरा पूरा, तो एक बारी आपने अंदर लेके चलेंगे जी। प्रधान जी, आज सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे पे जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ मुद्दे पे मीटिंग की गई है, क्या कुछ एजेंडा था? सबसे पहले तो सभी चैनल वाले साथियों से मेरा नमस्कार, राम राम। जो आज एजेंडा था, एक कन्नड़ी गांव से लोकसभा के 2023-24 के लिए उम्मीदवार सर्वसम्मति से बनाया गया है देवराज कन्नड़ी को, जैसा कि पहले हमारे कालन तपा के 12 गांवों ने समर्थन किया था, फिर हम दादा नफे सिंह के पास, दादा रघुवीर के पास, सभी के पास आए, फिर उनकी सहमति से खाप का सारे पदाधिकारियों की सहमति से वो बुलाया गया सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन था खाप का, और सभी साथियों ने बड़े दिल खुश होकर हमारा समर्थन किया। हम भी कालन तपा की तरफ से दादा का धन्यवाद करते हैं, और आगे की जो रणनीति है पूरी खाप इकट्ठी होकर तय करेगी और हमारी अवश्य जीत होगी। हम ये मान कर चलते हैं कि जो दादा राम सर तीर्थ का जो फैसला होता है तो वो कभी अधूरा नहीं रहा, हमेशा ही जीत हुई है। बुनियान खाप का चबूतरा पर दादा राम सर तीर्थ, जिसको सभी हमारे बावन गांव मानते हैं, और यहाँ शिव जी महाराज का मंदिर है, सब ने हाथ उठाकर पूरा डट कर समर्थन दिया है। सर किसी पार्टी को लेकर भी मंथन किया है खाप ने? नहीं किया, वो उसके आगे आने वाले समय के आधार पर देखेंगे, जैसे भी होगा ना उसके लिए आगे जो पार्टी आएगी आकर हमें कहेगी भी हम टिकट देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो क्या निर्दलीय है आपका उम्मीदवार? बिल्कुल इलेक्शन जरूर लड़ांगे, इलेक्शन का पक्का इलेक्शन जरूर लड़ांगे, हर कीमत पर इलेक्शन। आज जो पंचायत हुई है सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे पे, इसमें जो निर्णय लिया गया है कि अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा खाप की ओर से जी, तो जो आपका जो जिस एजेंडे को लेकर मतलब आज इकट्ठे हुए थे, क्या लगता है कि मतलब किस आपकी जो जीत है वो उसको किस तरह लेकर चलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी चैनल का धन्यवाद। बिनैन खाप ने अपना एक एजेंडा लेके आई थी कि इस बार हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए सारी खाप ने हमारे बहादुर तपा कालवन से, और कालवन का जो सबसे क्रांतिकारी गांव है कन्नड़ी, उससे भाई देवराज को नॉमिनेट किया है, और हम तो दूसरी सभी पार्टियों अपेक्षा कर रहा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी उसको अपना उम्मीदवार घोषित करे, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि लोकसभा में भाई देवराज को हम भेज देंगे। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी ही खाप में अगर कोई और दूसरा कैंडिडेट लेकर आती है तो फिर किस तरह आप देखिए? आज सारी खाप में सूचना दी गई थी, लेकिन केवल एकमात्र उम्मीदवार उभर के हमारे सामने आया देवराज कन्नड़ी, वो दूसरा उम्मीदवार आएगा उस पर फिर विचार कराया जाएगा, उसको बिठाया जाएगा या के कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारी खाप से भाई देवराज कन्नड़ी उम्मीदवार है। क्या भविष्य में एमपी के बाद में एमएलए का इलेक्शन पर भी खाप को विचार कर? हाँ, उस पर भी हम समय आने पर विचार कराएंगे, और ये अनुरोध कराएंगे हमारी खाप से ज़्यादा से ज़्यादा इस बार विधायक बने। एक खुशी का समाचार हो रहा है जी। दूसरा, जैसे कि कई साल पहले नथुराम नैन थे हमारे प्रवक्ता, प्रेस प्रवक्ता थे खाप के, उनका स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद आज नथुराम नैन कन्नड़ी के सुपुत्र श्री भगत सिंह को कालून तपा का महामंत्री नियुक्त किया है। अरे भाई, तुम अपनी तैयारी कर, अपना रजिस्टर ले ले, जोड़ा ले ले। जी प्रधान जी, आज जो खाप की मीटिंग हुई खाप में,
ये ऐलान किया कि वो एक खाप चुनाव लड़ेगी, तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? हमने तो कह दिया जी, सारी खाप ने समर्थन दिया, जो ये लेके आए हैं उसके उसके ऊपर फोकस है हमारा, तो जो भी आज आदमी आया है तो उसी पर फोकस है, उसी का समर्थन। अगर कोई फिर आएगा फिर विचार किया जाएगा उसके बारे में। अगर कोई मान के चलो कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आपकी खाप को ये कहती है हम टिकट देने के लिए तैयार है, तो आप क्या किसी पार्टी से भी चुनाव लड़वा सकते हो? हैं? आपकी जो आपका कैंडिडेट है उसको कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर टिकट देती हाँ, है हाँ, उससे भी चुनाव लड़वा सकते हो? उससे भी ज्वाइन कराएंगे हम उसको जी। अगर वो पार्टी हमने टिकट नहीं देगी तो स्वतंत्र आजाद खड़ा कराएंगे उसको। आज सर्वजातीय विनयन खाप ने आपको कैंडिडेट के रूप में चुना है कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खाप ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया, खाप के अनुसार मैं सारी बात करूंगा, इन्हीं के आदेश आगे रहेंगे, इन्हीं की बातों में फूल माला चलाऊंगा। आप लगातार कई दिनों से लगातार जो प्रयास कर रहे थे, तो हर क्या किसी पार्टी से भी आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, पार्टी से खाप अंतर में बात है कि तो मैं क्या पार्टी क्या है, जो मतलब खाप का निर्णय रहेगा खाप का निर्णय रहेगा वो लेगा। लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप जो विनयन खाप की जो जनता है? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी सेवा करना चाहता हूँ, कोई किसी चीज़ का वो नहीं होगा, फर्क नहीं होगा, सेवा करना काम है हमारा जी। मांगेराम जी, आज सर्वजातीय विनयन खाप का जो ऐलान किया है चुनाव लड़ने को, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं कन्नड़ी गाँव से संबंध रखता हूँ और हम जो हमारा प्रत्याशी है, प्रस्तावित प्रत्याशी है कन्नड़ी गांव से देवराज गंडी, उसके समर्थन में हम आज यहाँ बनैन घाट के चबूतरे पर अपनी प्रार्थना लेकर के आई और निवेदन किया। हमारे कालवन तपा के प्रधान चौधरी फकीर सिंह जी मौके पर हाजिर रहे और हमारे बनैन खाप के जो प्रतिनिधि थे वो भी सभी हाजिर आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे हम आप लोगों को सहयोग करेंगे तन मन धन से, और हम इस बात से संतुष्ट भी हैं। हम हमारे प्रधान फकीर सिंह जी का और कालवन तपा के प्रधान फकीर सिंह जी और बनैन खाप के प्रधान चौधरी नफे सिंह जी और अन्य जो पदाधिकारी हमारी खाप के हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में खाप हमें पूर्ण सहयोग देगी। इस आशा के साथ हम आज चबूतरे पर बनैन खाप के सभी हाजिर वक्ताओं का, हाजिर पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो।